गाइज वेलकम बैक टू अगेन आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा कैंपस के ऊपर, और इस कैंपस का पूरा हम डिटेल्स कवर करेंगे इस वीडियो में। और आप शारदा यूनिवर्सिटी देख रहे हो तो आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो जैसे बात करें शारदा यूनिवर्सिटी का, तो इसके तीन लोकेशन पर से इसका कैंपस है, आगरा, मथुरा और आपका ग्रेटर नोएडा में। तो हम ग्रेटर नोएडा कैंपस के बारे में बात करेंगे। ग्रेटर नोएडा कैंपस की बात करो तो कैंपस आपका 63 एकड़ में कैंपस फैला हुआ है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा कैंपस है। नो डाउट जिस लोकेशन पे है कैंपस, जितना खूबसूरत शारदा यूनिवर्सिटी कैंपस है, बिल्डिंग चाहे सब कुछ, कैंपस काफी खूबसूरत है। शारदा यूनिवर्सिटी का 63 एकर्स में मैंने बताया कैंपस फैला हुआ है। वही बात करूँ शारदा यूनिवर्सिटी आपका AICTE, UGC और आपका PCI और यहाँ हर चीज से अप्रूव्ड है। वही अग्रेडेशन की बात करूँ तो NAC A+ यूनिवर्सिटी आपका शारदा यूनिवर्सिटी 2022 में उसको इंजीनियरिंग के लिए भी NRF में रैंकिंग 164 रैंकिंग मिला था। अगर बात करें तो टॉप अंडर 200 के अंदर इंजीनियरिंग का भी इसका रैंकिंग है, यानी 164 NRF का रैंकिंग है आपका। यहाँ कोर्सेज की बात करें तो बहुत सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं, जिसमें आपका कोर्सेज की बात करो तो इंजीनियरिंग का बात किया मैंने, इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, लॉ है, मास कम्युनिकेशन है, डेंटल है, उसके अलावा आपका मेडिकल कोर्स भी है। बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब लगभग हर कोर्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा आप जो कोर्सेस देख रहे हैं। तो बेसिकली हमारे इस वीडियो में बीटेक के लिए लेकर रिव्यू है। तो बीटेक के लिए कैसा है यूनिवर्सिटी, अगर बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है शारदा यूनिवर्सिटी। 2009 में आपका ये यूनिवर्सिटी आपका ग्रेटर नोएडा में शुरुआत हुआ है, और यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो 14 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी हुआ है। काफी कम समय में इस यूनिवर्सिटी ने काफी अच्छा रैंक लिया है। अगर देखो तो बहुत सारे रैंकिंग में यूनिवर्सिटी आता है आपका शारदा यूनिवर्सिटी। शारदा यूनिवर्सिटी का अगर बात कर ले एडमिशन प्रोसेस का, तो उसका खुद का अप्लीकेशन फॉर्म होता है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया में अगर आप आते हो तो आप यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करके डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो इंजीनियरिंग कोर्स के लिए। अगर बात करूँ ओवरऑल अगर प्लेसमेंट का, तो जो हाईएस्ट प्लेसमेंट कॉलेज का देखोगे वेबसाइट पर चाहे कहीं भी, तो जो क्लेम करता है 1 करोड़+ का प्लेसमेंट क्लेम करता है हाईएस्ट के लिए। बट मैं इस पर नहीं बात करता हूँ, एवरेज प्लेसमेंट की बात करूँ इंजीनियरिंग के लिए, तो सारे जो ब्रांचेस मिला ले हम, जो भी ब्रांचेस हो जाते हैं, एवरेज प्लेसमेंट 5 लाख रुपीज का ही देखने को मिलता है। और मिनिमम प्लेसमेंट की बात करूँ तो मिनिमम प्लेसमेंट मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियो में डिस्कस किया है, तो मिनिमम प्लेसमेंट किसी भी कॉलेज का 3 लाख रुपीज का मिनिमम प्लेसमेंट ऑफर होता है। और इस यूनिवर्सिटी का भी मिनिमम पैकेज आपका 3 लाख रुपीज आराम से मिल जाता है। बीटेक कंप्यूटर साइंस की बात करें तो काफी डिमांडेड ब्रांच है इस टाइम का, तो लगभग हर लोग बीटेक कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी को देख सकते हो। अगर आपको अच्छा कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं मिल रहा तो आप इसको भी ऑप्शन में लेके चल सकते हो। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर जो फैकल्टी मिलेंगे, 50% जो फैकल्टी है आपको हाई क्वालिफाइड फैकल्टी आपको मिलते हैं, 50% फैकल्टी बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर में। बाकी कैंपस मैंने बताया कि काफी खूबसूरत है। लोकेशन आपका ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क में है, और जो नियरेस्ट मेट्रो है आपका नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन से कैंपस का डिस्टेंस लगभग 700 मीटर का डिस्टेंस पर है कैंपस आपका। तो ठीक है, अगर आप इस कॉलेज को देख रहे हो, इस यूनिवर्सिटी को देखो, तो आप बिल्कुल देख सकते हो। और बाकी जो कोर्सेस है उसका भी, कोर्सेस का भी रिव्यू ठीक ठाक है इस यूनिवर्सिटी के ऊपर। बाकी कोई भी क्वारी है किसी कोर्स के ऊपर, चाहे आप यहाँ पर एडमिशन देख रहे हो, तो आप जरूर मेरे से सलाह कर लेना इस यूनिवर्सिटी के ऊपर। बाकी फ्रेंड चैनल पर नए हो गए तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कर देना, ताकि आप तक और भी मेरे यूट्यूब के माध्यम से कॉलेज का रिव्यू काउंसलिंग का अपडेट मेरे चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।